नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और सीनियर भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के बारे में हम अलग अलग बीमारी के बारे में बताते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, सावधानियां क्या रखनी है, उपचार क्या रखने हैं, इन तमाम विषयों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं डेंगू पर। लगातार डेंगू का जो डंक है वो आम जनता के लिए भयावह होता जा रहा है। सावधानियाँ क्या रखनी है, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इसकी जानकारी के लिए हम इस समय बैठे हैं बेलकेयर हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है बेलकेयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम सिंह चौहान के पास। तो जानेंगे डेंगू के बारे में, कैसे बचाव करना है और क्या सावधानी रखनी है और किस तरह इसका उपचार संभव हो सकता है। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अपने बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम सिंह चौहान, डायरेक्टर बेलकेयर हॉस्पिटल। और डेंगू के अभी लक्षण जो हैं लोगों में आने शुरू हो चुके हैं। बरसात का मौसम लगभग जा चुका है और साथ में अब डेंगू के मरीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लोगों को इस टाइम डेंगू से सावधानियां रखने की बहुत ज़रूरत है, ख़ासकर विशेष तौर पे बच्चों को। जो बच्चे शाम को खेलते हैं उनको पूरे कपड़े पहनाएं, पूरे फुल स्लीव के कपड़े हों, हाफ शॉर्ट्स या पैंट ना पहनाएं, फुल पैंट पहनाएं या लोअर टी शर्ट्स पहनाएं इस तरीके के, क्योंकि इस टाइम में डेंगू की वजह से जो प्लेटलेट में कमी आ रही है वो पहले जैसा माहौल हो चुका है हमारे साथ में, वो माहौल अब शायद दोबारा से फिर से होने वाला है जो 2016 में एक बार डेंगू का बहुत प्रकोप हुआ था। अभी लगभग हमारे पास में इस दौरान में करीब 40 से 50 मरीज डेंगू के आ चुके हैं अभी तक में, जिनमें से करीब करीब 15 से 20 को प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ी है। प्लेटलेट लोगों के किसी के 17,000, किसी के 20,000, किसी के 8,000, 6,000 तक के प्लेटलेट लोगों के चले जा रहे हैं और लोगों को ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है। पहले जैसे लक्षण होते थे कि डेंगू में तेज़ बुखार होना, शरीर में दर्द होना, थकान लगना, कमज़ोरी लगना, ये सब लक्षण अब पूरी तरीके से देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी लोग काम कर रहे हैं, उनको अचानक से बुखार आता है, बुखार आने के बाद में सीधे वो तुरंत बिस्तर पे पड़ जाते हैं, जांच करवाते हैं, देखते हैं डेंगू निकला है। डेंगू निकलने के बाद में लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक प्लेटलेट पूरी तरीके से गिर ना जाएं, तब तक लोग घरेलू उपचार करते हैं। लोगों से एक विशेष तौर पे निवेदन है कि पपीते की पत्ती को लोग जो इस्तेमाल करते हैं, पपीते की पत्ती से डेंगू में प्लेटलेट बढ़ती है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। डेंगू में ये चीज़ का ध्यान रखिए कि डेंगू जब प्लेटलेट कम हो जाती है तो आपके आँतों में, खासकर पेट में खून का रिसाव होने की संभावना बढ़ जाती है। तो विशेष तौर पे ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि एसिडिटी बनती हो, यानी कि पेट में एसिड का सिक्रीशन बढ़ता है, ठीक है। और पपीते की पत्ती का सिर्फ उतना ही रस लेना है जितना आप एक मूंग की दाल के बराबर, वो भी आपको दूध में लेना है। और ये एक भ्रम है कि बकरी के दूध से प्लेटलेट बढ़ती है, ये सिर्फ लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई हैं। कीवी फल आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि कीवी फल महंगा है तो आप नॉर्मल कोई भी फल खिला सकते हैं जिससे कि आपके प्लेटलेट में बढ़ोतरी हो सकती है। विटामिन सी की मात्रा जिस भी फल में होगी वो प्लेटलेट आपका बिल्कुल बढ़ाएगा। आपने यहाँ तमाम बातें बताई, बकरी के दूध की बात बताई, क्यों हमने पहले भी देखा है, हमेशा कहा जाता रहा कि पपीते की पत्ती खाइए या बकरी का दूध पीजिए तो उससे प्लेटलेट बढ़ेंगे, आपने कहा अफवाह है, तो ये अफवाह फैली कैसे अचानक? ये अफवाह, अब इसका कोई सोर्स तो नहीं पता, मतलब इसका स्रोत तो नहीं पता है, लेकिन अफवाह अब लोगों ने जब उड़ा दी कि हाँ बकरी का दूध से प्लेटलेट बढ़ती है, हालांकि बकरी का दूध हो या कोई भी दूध हो वो नॉर्मली आपको जो भी आपके न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड करता है, कैल्शियम जो भी प्रोवाइड करता है या फैट प्रोवाइड करता है, वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उसको रिसर्च करके ये बोला जाए कि बकरी के दूध से ही प्लेटलेट बढ़ती है तो ये नहीं सही है। पपीते की पत्ती वाली जो बात है उसमें बस इतना है कि लोग ढेर सारी पपीते की पत्ती को पीस के आधा आधा गिलास पपीते का रस पिला देते हैं, जिससे कि मरीजों की मौत भी हुई है, तो इस चीज़ को ना करें, ठीक है। आप सिर्फ उतना ही पपीते की पत्ती का रस लीजिए जितना एक मसूर की दाल होती है या मूंग की दाल होती है, सिर्फ उतना ही रस, और उसको भी आपको दूध में डाल के पिलाना है, ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट पिला दें,
ठीक है, क्योंकि पपीते की जो रस होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, ठीक है, तो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो एसिड का सिक्रीशन और बढ़ा देगा। आपने यहाँ पर बताया कि लक्षण अलग हो गए हैं, 2016 में लक्षण अलग थे, अभी जो लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आपने कहा पेशेंट आ रहे हैं, क्या लक्षण उनमें पाए जा रहे हैं? देखिए, डेंगू में आदमी को, मतलब जनता को ये पता है कि बुखार आता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है उसमें कम से कम 10 में से 2 लोगों को बुखार नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ शरीर में दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, और वो जब अपनी जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि उनको डेंगू हुआ है। ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं जो कि नॉर्मली अपना काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सिर्फ थकान लग रही है, मतलब जिसको कहते हैं कि अगर फीवर आना चाहिए था, जिस कंडीशन में फीवर अभी नहीं आ रहा है, डेंगू है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव आ रहा है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको अगर फीवर नहीं भी आता है, लेकिन अगर आपको ये लक्षण लगते हैं कि थकान लगती है, शरीर में दर्द होता है, बुखार आता है, कमज़ोरी लगती है, तो आप लापरवाही ना करें, अपना जांच करवाएं, जांच करवाने के बाद में डेंगू कंफर्म करने के बाद में आप उसका उपचार करवाएं, ठीक है। घरेलू उपचार में सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि जो अपना खान पान है, यानी कि जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं, तरल चीज़ें हैं, उनका आप इनटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुखार आए चाहे नहीं आए, आपको तभी भी बुखार की दवाई लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखिए, पूरे कपड़े पहनिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए, विशेष तौर पे सुबह और शाम में, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में एक्टिव नहीं होता है, वो सुबह और शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस दौरान में जो मच्छर काटता है वो आपको डेंगू दे सकता है। हमने पहले देखा है कि पहले मलेरिया होता था, पर ये डेंगू जो बीमारी है, डेंगू का मच्छर है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि 2007 के बाद से सक्रिय है, सरकार के तमाम इंतजाम होते हैं इसको रोकने के लिए, क्या बेहतर उपाय हो पाए कि कम से कम अपने घर में या अपने आसपास में हम डेंगू की उत्पत्ति को रोक सकें, उसके मच्छर को बढ़ने से, पैदा होने से रोक सकें? देखिए, सरकार भी इस बारे में बहुत सारे अपने प्रोग्राम चलाती है, प्रयास करती है, लेकिन आदमी को अपने से खुद से सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो देश की आबादी है, अब हर किसी को सरकार जो सुविधाएं मुहैया करा रही है, जितने स्तर से करा सकती है वो तो करा रही है, लेकिन आप लोगों को अपने तौर पे, अपने जो घरेलू तौर पे अपने को ये करना है कि आपको आसपास में गंदगी नहीं होने देनी है, पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, विशेष तौर पे कूलरों का पानी, टायरों में जो पानी पड़ा होता है, आजकल लोग नारियल के जो पानी पीते हैं उसमें खोल छोड़ देते हैं, उसमें भी पानी इकट्ठा होता है, उसमें भी डेंगू का मच्छर। और ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो सिर्फ साफ पानी में ही पनपता है, गंदे पानी में डेंगू का मच्छर नहीं पनप पाता है। और जो, क्योंकि अभी ये सीजन चल रहा है, इस सीजन में मलेरिया भी चल रहा है और अभी डेंगू भी चल रहा है, दोनों चीज़ें चल रहे हैं साथ साथ, किसी किसी को, कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको मलेरिया और डेंगू दोनों पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको अपने आसपास में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने यहाँ नालियों की सफाई रखवाइए, नालियों में किसी प्रकार का लार्वा ना पनपने पाए। लोग अपने यहाँ विशेष तौर पे एक चीज़ का ध्यान ये दे सकते हैं कि अगर उनके यहाँ नालियाँ भी हैं तो आप अपने स्तर से ये कर सकते हैं कि आप उस नाली में करीब 2 से 3 कप के मात्रा में पेट्रोल या डीजल या केरोसिन ऑयल, जो कि आजकल शायद मिलता नहीं है, लेकिन पेट्रोल या डीजल आप उस पानी में डाल सकते हैं। अगर व्यक्ति अगर ये काम करता है तो मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो पनप नहीं पाते हैं, उनके जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उस डीजल या पेट्रोल की वजह से कट जाती है और वो मर जाते हैं वहीं पे। ये आदमी कर सकता है अपनी तरफ से, पानी ना इकट्ठा होने दें, पानी जो होना चाहिए वो चलता रहना चाहिए, चलते हुए पानी में मच्छर नहीं पनप सकते। आपने तमाम बातें बताई, लक्षण भी बताए, सावधानियाँ भी बताई आपने, जैसे कहा कि किसी को हो जाता है, बुखार आता है, अमूमन हम देखते हैं कि आदमी स्वयं ही खुद ही अपना घर में उपचार करने लगता है, तो अगर घर में उपचार कर रहे हैं तो शुरुआती स्तर पे क्या दवा ले सकते हैं, और दवा लेने के साथ अपने आप को आराम देने के साथ आप यानी डॉक्टर के जा सकते हैं या अस्पताल जा सकते हैं? देखिए, अगर डेंगू की बात करें तो विशेष तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर, जैसे आपको लगता है कि आपको डेंगू हो गया है, इस चीज़ का कंफर्मेशन अगर हो जाता है तो आप फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आप अपने घर में रहिए, आप नॉर्मल पैरासीटामोल
जो दवाई है आप उसका सेवन करिए, साथ में आप ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जो पेट में एसिड ना बनने दें, यानी अम्ल ना बनने दें। विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, सावधानी इस चीज़ की रखनी है कि आपको अपना विशेष तौर पे एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी प्लेटलेट कम होती है, ठीक है, आप आराम करिए, डॉक्टर की अगर सलाह लेनी है आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, लेकिन अगर डेंगू में आप ये सोचते हैं कि नहीं हम घर में ठीक कर लेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डेंगू में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको खून के रिसाव के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ वो देखनी होती है कि आपका जो मल है यानी कि आपका जो लैट्रिन है वो काला ना हो। काला लैट्रिन होने का मतलब है कि पेट में खून का रिसाव हो रहा है और जिसकी वजह से आपकी लैट्रिन काली हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप घर में भी रहते हैं, देखते हैं कि आपको डेंगू है, तो आप ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि आपका मल यानी लैट्रिन काली नहीं होनी चाहिए। आपने बताया पैरासीटामोल अगर खाएंगे तो उससे ठीक कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि पैरासीटामोल से डेंगू ठीक हो जाएगा अगर आप समय अनुसार लेते हैं, कोई पैनिक स्थिति नहीं आती है, खान पान सही रखते हैं, तो मानते हैं हम ये मान सकते हैं कि घरेलू उपचार के तहत घर में ही रहकर पैरासीटामोल से इसका इलाज हो सकता है, या कोई विशेष दवा डेंगू के लिए आती है जो चिकित्सक ही देते हैं? देखिए, वैसे तो कोई भी दवाई बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए, ये तो सब लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता उनको भी बता दें कि आप भी अगर जब दवाई लेते हैं, कोई भी प्रकार की दवाई लेते हैं, तो आप पहले डॉक्टर से ज़रूर एक बार राय ले लीजिए। हालांकि आजकल हमारे देश में क्या है कि हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपना घरेलू उपचार पहले करता है कि हम अपने घर में पहले चाय काढ़ा या इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपना प्रयास कर लेते हैं। जब कंडीशन नहीं उनसे संभल पाती तब वो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक है। तो अभी जो इस समय का जो मतलब जो सिचुएशन चल रही है, सबसे ज़्यादा वो लोग जो बाहर में रहते हैं, जो बाहर में काम करते हैं, उनको डेंगू होने का ज़्यादा खतरा है, ठीक है। जो सुबह और शाम में जो उठते हैं, अपना काम करते हैं या अपना जो भी करते हैं, तो उनको ज़्यादा खतरा होता है डेंगू होने का। घरेलू उपचार में आप तरल पदार्थ ले सकते हैं, विशेष तौर पे गर्म चीज़ें जैसे कि आप चाय काढ़ा या इन सब चीज़ों को ले सकते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, जो कि आपको आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती हैं और साथ में आपके शरीर में फ्लूड की क्वांटिटी को मेंटेन रखती हैं। लेकिन इन चीज़ों से प्लेटलेट बढ़ता है ये अभी नहीं, प्लेटलेट आपकी बॉडी खुद बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन जब किसी का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जिसमें कि बॉडी की जो क्या कहते हैं वर्किंग कैपेसिटी है, जिसको कहते हैं कि उसकी प्लेटलेट बनाने की जो क्षमता है वो उतनी पर्याप्त नहीं है, जो कि जिस रफ्तार से प्लेटलेट कम हो रही हैं, तो उस कंडीशन में मरीज को प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती है और साथ में प्लेटलेट बढ़ाने की दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। लेकिन डेंगू का जो बीमारी का जो वो है चलन है, उसमें क्या होता है कि आपको मच्छर ने काटा, आपको डेंगू हुआ, डेंगू होने के बाद में फिर आपके प्लेटलेट नीचे की तरफ जाती है, नीचे गिरते 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 वो एक पॉइंट पे पहुंच जाती है, फिर वहां से फिर प्लेटलेट उठना शुरू करती है। यही पॉइंट सबसे खतरनाक होता है। इसमें कुछ लोग सर्वाइव कर भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, और ऐसा देखने को भी मिला है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत कम प्लेटलेट थी वो सर्वाइव कर गए, जिनकी एवरेज प्लेटलेट थी मतलब 60-70 हज़ार भी प्लेटलेट पे भी आदमी एक्सपायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए एकदम क्लियर नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये ऐसी चीज़ है, और ये हमारी खुद की पर्सनल एक राय है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हमने जो कह दिया वो एकदम सत्य वचन है, ठीक है। मॉर्टेलिटी रेट की बात करें कि मृत्यु दर क्या होती है, अमूमन डेंगू कितना खतरनाक है मृत्यु के लिहाज से देखें? अगर मृत्यु के हिसाब से देखेंगे डेंगू में, वो अगर प्लेटलेट बहुत कम है, ठीक है, मृत्यु होने का तभी वो होता है। और साथ में विशेष तौर पे उन मरीजों को जिनको कि बीपी और शुगर की दिक्कत है या इन दोनों में से कोई भी एक दिक्कत है, तो उस कंडीशन में उस स्थिति में मृत्यु दर जो है बढ़ने की संभावना हो जाती है ज़्यादा, ठीक है। अभी लोग इस चीज़ को लेके थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि हमको तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल बुखार है, हम इसको दवाई से या काढ़े से या ठीक कर लेंगे, अपने स्तर पे ठीक कर लेंगे, ठीक है। कोई भी पैथी है आप घर पे करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खतरा मतलब अनायास ही खतरा मोल लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ठीक है। और मृत्यु दर की बात है जहाँ तक, तो मृत्यु दर में हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले से बीमार चल रहे हैं,
पहले से बीमार, जिनको हार्ट की कंडीशन है, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनके गुर्दे खराब है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्तियों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। नॉर्मल अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है हाँ, इसका इलाज हो सकता है, बिल्कुल है, संभव है इलाज डेंगू का। लेकिन वही है कि अगर सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ ठीक होता है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ हम किसी पॉजिटिव उस पर जा रहे हैं। ठीक है ना, मीडिया सशक्त माध्यम में अपनी बात कहने का, सिमी भारत के माध्यम से क्या संदेश आम जनता को देना चाहेंगे, किस तरह डेंगू से बचना है? डेंगू से बचने के लिए तो सिर्फ यही एक तरीका है कि आप अपने घर के आसपास, पहली बात तो मच्छरों को ना पनपने दें, पानी ना रुकने दें, पानी बहता रहे, नालियों में भी रहे तो बहता रहे। आप अपने घरों में ये चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिसमें बरसात का पानी या कोई भी पानी रुका हुआ हो, जमा हुआ हो। जिन लोगों के घर पोखर के आसपास हैं, तालाबों के आसपास हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर शाम को और सुबह में अपना बचाव करना है। ठीक है, आपको पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, फुल आपको कपड़े पैंट पहननी है। इसके अलावा फिर आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे ही आपको इनमें से कोई लक्षण आया, सिर में तेज़ दर्द होना, बुखार होना, बदन दर्द होना, उल्टी होना, ये सब चीज़ें होना, तो आप तुरंत चिकित्सक की परामर्श लें। तो ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बेलकेयर के डॉक्टर डॉक्टर अनुपम सिंह चौहान। तमाम बातें डेंगू को बताई, लक्षण बताए, सावधानियाँ बताई, और ये भी बताया उपचार कैसे हो। इन्होंने ये भी बताया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि लगातार अफवाहों के माध्यम से लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब भी डेंगू के संबंधित जो नए लक्षण जो बता रहे हैं वो आते हैं, तो सबसे पहले जाकर डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के हिसाब से दबा लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर यहाँ पर गलती करेंगे तो डेंगू में मृत्यु दर भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। खतरनाक बीमारी है, बचाव रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सावधानी रखनी है, ऐसी सावधानी कि कम से कम आप डेंगू के डंग से दूर रहें, डेंगू मच्छर आपको काट ना पाए। आप सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो अभी के हेल्थ पॉइंट में इतना ही, अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए सिमी भारत। नमस्कार।